या खुदा, चाची जान मल्लिका के साथ है, जो उस जफर से भी 10 कदम आगे है। नहीं, अम्मी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन वो अपने आका का हुक्म भी नहीं डाल सकती। तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। काले चोर रुको। सुल्ताना रोकी उन्हें। काले चोर रुको, काले चोर। उसके सामने मेरा जादू बेअसर। अब हम क्या करें? या खुदा, हमारे पास जो भी आता है उसकी किस्मत खुदा नहीं, हम खुद तय करते। चाहे वो इंसान हो या मामूली से खिलौने, इसीलिए तो हम यहाँ आए। मजा आएगा। अलादीन, आदत डाल लो अलादीन, क्योंकि जहां मल्लिका होगी वहां हर रोज ऐसी हैरत अंगेज बातें होती रहेगी। हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम हमारा काम करने के लिए राजी हो गए हो। हाँ, वो बात की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे करना क्या होगा। सही बात, जो एक अच्छा बेटा करता है। तुम्हें तुम्हारे अब्बू की परसों पुरानी गलती का हर्जाना भरना होगा। अब्बू? बाप के कर्ज बेटे को चुकाने पड़ते हैं, इसीलिए ओमान ने हमसे जो छीना वो तुम्हें लौटाना होगा अलादीन। पहली मुलाकात है इसलिए तेरी जान बख्श रहा हूं। दोबारा मेरे अब्बू का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो डर गई। इसीलिए कहते हैं अच्छे बच्चे बुरा बनने की बात नहीं करते। शुक्र मनाओ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बड़ों को तेवर नहीं तमीज दी जाती है। अब चुपचाप गौर से सुनो, तुम्हें करना क्या है। तुम्हें हमारे लिए शैतान का खंजर लाना होगा। शैतान का खंजर? हाँ, वो शैतान का खंजर जो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार था, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत था। 500 साल पुरानी बात है। बताना क्या है, दिखा देते, मजा आएगा। शैतान का खंजर लोहे का एक टुकड़ा है, जिसमें बिजली की चमक, दो जहां के गुनाह और शैतान की बुराई है। वो खंजर बुराई की सबसे बड़ी ताकत था। वो इंसानों की इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था और वो हमारा था। वो हमारे पास था तो दुनिया हमारे कदमों में थी, क्योंकि उसकी मदद से हम शरबते बर्बादी बनाते थे। उस खंजर से हम दुनिया की सारी बुराइयों को मिलाकर शरबते बर्बादी बनाने वाले थे, ताकि पूरी दुनिया हमारी गुलाम बन जाए। लेकिन उससे पहले ही चिराग के जिन ने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और किसी तरह हमें पत्थर के बुत में तब्दील कर दिया। डूबने का अफसोस तब होता है जब किनारा नजरों के सामने हो। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो खंजर हमारे आंखों के सामने था, पर हम हाथ बढ़ाकर उसे छू भी नहीं सकते थे। हमने सदियों उस दिन का इंतजार किया ताकि हम फिर से उस खंजर को छू पाते, लेकिन उस दिन से पहले ही वो आ गया। वो कौन? वो
ओमार। जो शैतानी खंजर ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया, तुम्हारा अब्बू, जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आज के बाद तेरे जुल्मों की दास्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज के बाद तू किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगी, किसी को अपना गुलाम, किसी को अपना जिन्न नहीं बना पाएगी। क्या सोच रही है कि कभी ना कभी तू इससे आजाद हो जाएगी? अगर हो भी गई तो इस शैतान के खंजर के बगैर तू क्या कर पाई? कुछ नहीं। शैतान के खंजर के इन तीन टुकड़ों को मैं दुनिया के अलग अलग तीन हिस्सों में छिपा दूंगा। ऐसे ताले में बंद करूंगा कि इसे कोई जादू नहीं खोल पाएगा, और दुनिया का बड़े से बड़ा लोहार भी इसकी चाबी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसकी चाबी होगा ओमार का खून। याद रखना मल्लिका, अब इस खंजर और तुम्हारे बीच ओमार खड़ा है। मैं फना हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस खंजर तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। अब ये दुनिया महफूज है, मेरा बगदाद महफूज है, और तू हार गई। तू हार गई मल्लिका। ओमार, अगर इस वक्त तू हमारे सामने होता तो हम दोनों मिलकर तुम्हें हराते हैं मलिका। क्या हुआ अलादी, दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हो? आंखें खोलो अलादी, देखो अभी तक तो हमने तुम्हें छुआ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं अच्छे बच्चे बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। तुम्हारे अब्बू को भी तुम्हारी तरह गलत फहमियां थी। उसे लगा कि हम उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, और तुम्हें लगा कि जहन्नुम का दरवाजा बंद करके तुम मुझे आने से रोक सकोगे। लेकिन देखो, मैं आ भी गई हूं और मरने के बावजूद ओमार को ढूंढ भी लिया है। तुम भी गलत थे अलादी, और तुम्हारा बाप भी। तू चाहे मेरी जान भी ले ले। ऐसी मामूली चीजों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हमें तो बस ओमार का खून चाहिए जो तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। ले आता मलिका, पर मेरी रगों में बहता खून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अपने अब्बू के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हारे लिए
शैतान का खंजर लाऊंगा। गुजारिश टाली जाती है, हुक्म नहीं। और हमने हुक्म दिया है अलादीन। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। शायद तुम भूल रहे हो, तुम ना सही, तुम्हारी अम्मी हमारी गुलाम है। इसीलिए तुम्हें वो शैतान का खंजर लाना ही होगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है, दिन आ गए हैं। रुस्तम बगदाद को झूले में झूलना, मेरा मतलब है झूले में छुपना पड़ रहा है। ओ मनुष्यत की बोरी, तुम कहाँ चली? वाई 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 वाई। कसम सोने की अशर्फियों की, शकल से पता चल रहा है कि खानदानी मनहूस कौन है। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही, तुम भी साथ चलोगे मलिका से मिलने। बहुत अच्छे। मल्लिका के पास क्या कहा? एक चुड़ैल कम है, दूसरी से मिलने जाऊं? ज्यादा जबान नहीं चल रही तुम्हारी? कसम सोने की अशरफियों की मियां, मल्लिका ने रुखसार को जिन बना दिया है। जाहिर सी बात है, अलादीन अपनी अम्मी के गम में आधा हो गया होगा। अब ऐसी सूरत में ना वो सुल्ताना से मंगनी करेगा, ना निकाह। और अगर निकाह नहीं हुआ तो बगदाद में सबसे ताकतवर कौन? मलिका। जाहिर सी बात है, हम जाके मलिका से हाथ मिला लेते हैं। और वैसे भी ताकतवर के पीछे हमें दुम हिला के तो चलना ही होता है। बेशक। लेकिन बेगम एक बात बताओ, वो खतरनाक चुड़ैल हमें घास क्यों डालेगी? ए मेरी चिलगोजे के छिलके, वाई 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 वाई। चुड़ैल कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे अपने इर्द गिर्द चापलूसों की जरूरत होती है, जो यहाँ की बातें वहाँ करे और वहाँ की बात यहाँ। वाह मेरे चापलूसी के कनस्तर। चल चल मल्लिका के पास। आप लोगों को जरा सी भी शर्म है? हाँ है, बहुत है। जिस मलिका ने मेरी चाची जान को जिन बना दिया, अब उसी से ही हाथ मिलाने का सोच रहे हैं। लानत है, दोनों पर लानत है। देखिए, अगर आप दोनों ने ऐसा कुछ भी किया ना, तो ये भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा भी है। देख लिया मियां, ये होती है मन्नतों की औलाद। इसने कहा, नाज़नीन ने मान लिया। चलो मेरे पैर दबाओ। नेकी और सच्चाई का रास्ता, अपने अब्बू की तरह ये भी उसी रास्ते पर चलेगा। अलादीन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करेगा। अम्मी, ना ही इसके अब्बू ने कभी कोई गलत काम किया और ना ही मेरा बेटा करेगा। गुलाम हुकुम की तामील करते हुए अच्छे लगते हैं, जुबान लड़ाते हुए नहीं। कंगन के जिन, हम तुम्हें हुकुम देते हैं कि हमारे कपड़े धोने से लेकर इस कमरे को साफ करने तक सारा काम तुम करोगे। और फिलहाल हमारे पैर मैले हो गए, इन्हें साफ कर दो अपने दुपट्टे से। ये हमारा हुक्म है।
जो हमारी बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा और हमें मजा आएगा। अम्मी अलादीन, अलादीन तू ठीक है ना? आका, जिन अगर अपने आका की बात ना माने तो उसे सजा मिलती है। अम्मी के साथ भी वही हो रहा है। हम क्या, अल्लाह ये क्या हो रहा है? ऊपर वाले को क्यों परेशान कर रहे हो गुलाम? एक छोटा सा झटका ही तो लगा है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? मजा आएगा। अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो आज इन सब की नौबत ही नहीं आती, है ना रुखसार? एक माँ के हाथ बच्चों को प्यार देते, दुआएं देते, सहारा देते, पर मेरे हाथ मेरे बच्चे को सहते रहे। पता चल गया, आप पूछ रहे थे ना कि अम्मी की ताकत क्या है। तेज झटके। मलिका के अलावा अगर अम्मी को कोई और छुएगा तो उसे तेज झटके लगेंगे। इतना वक्त हो गया लेकिन हमारे पैर अभी तक साफ नहीं हुए। उफ, आजकल अच्छे गुलाम मिलते कहाँ हैं? कंगन के जिन, जल्दी करो। नहीं अलादीन, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो।
गलती कर दी, एक बेटे के सामने उसकी अम्मी की बेइज्जती करने की गलती। बेटा हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन अपनी अम्मी की बेइज्जती माफ नहीं करता। और अब मैं शैतान का खंजर भी नहीं लाऊंगा और अपनी अम्मी को आजाद भी करूंगा। और उसके बाद तुझे सिखाऊंगा कि अम्मी की बेइज्जती करने की सजा क्या होती है। वाकई में तुम अपने अब्बू के ही बेटे हो, मजा आएगा। 6 घंटे, वादा करता हूं 6 घंटे के अंदर अम्मी को आजाद करूंगा और तेरा गुरूर तोड़ूंगा और तब तुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। घंटे के अंदर अंदर तुम हमारे कदमों में गिड़गिड़ाओगे और अपनी अम्मी की जान की भीख मांगोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ले जाना इसे। तुम हारोगे अलादीन, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा ही होगा। तुम्हारी अम्मी की जान और ये मुल्क दोनों खतरे में है। रोक सको तो रोक लो। बचा लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। अम्मी अपने बच्चों के लिए हमेशा लड़ती है, आज उनका बेटा उनके लिए लड़ेगा, लड़ेगा और जीतेगा। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, कूद पड़े हैं जंग में जीत कर ही मानेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।